गणतंत्र दिवस के बहाने केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, मोदी और शाह देखते रह गए। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि देशवासी अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम अपने देश को मजबूत करने की जगह चीन को अमीर बना रहे हैं। चीन के साथ हमारा व्यापार उसकी आक्रामकता के बावजूद बढ़ रहा है। हमारी सीमाओं के ऊपर चीन कुछ सालों से आंखें दिखा रहा है। हमारे सैनिक पूरी बहादुरी से बॉर्डर पर उसका सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारों का फर्ज बनता है कि हम उन सैनिकों का साथ दें। हमारा फर्ज बनता है कि हम चीन का बहिष्कार कर उसके साथ व्यापार बंद करें। साथ ही इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने विश्वविद्यालयों से कुलपति हटाने को लेकर कहा कि नवनियुक्त कुलपतियों को कई राज्यों में राज्यपालों ने हटा दिया, निर्वाचित सरकारों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वह न्यायपालिका, राज्य सरकारों, किसानों, व्यापारियों से लड़ रहे हैं। अगर यह लड़ाई खत्म हो जाए तो भारत को नंबर एक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सरकार और उपराज्यपाल वी के सक्सेना के बीच चल रही खींचतान पर केजरीवाल ने कहा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार वही करेगी जो जनता चाहती है। एक ऐसा राज्य है जहां जनता के सरकार ने कानून पारित किए हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें रोक रहा है। क्या किसी को यह अधिकार है कि वह जनता के कानून को रोके या किसी सरकार के काम को रोके? केजरीवाल ने कहा, कुछ राज्यों में लोकतंत्र का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक राज्य ऐसा भी है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिखते हैं कि विधानसभा की सभा बुलानी है, लेकिन राज्यपाल इस पर भी सवाल उठाते हैं। स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर एक काला साया मंडरा रहा है। दिल्ली के सीएम ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है क्योंकि यहां सबसे सस्ता माल है, बिजली पानी फ्री है, उत्कृष्ट सरकारी स्कूल और स्कूल में शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जा रही है, अस्पताल में इलाज मुफ्त है, महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा और बसें निशुल्क है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।